तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश चुनाव में AI मेमने की मांग, अखिलेश यादव लिख कर दे, अगर 2022 में बनेगी सपा सरकार तो वे मुस्लिम को बनाएंगे यूपी का डिप्टी सीएम। बढ़ गई है अखिलेश की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान के ड्रोन अटैक से निपटने के लिए जम्मू एयरबेस पर मोदी सरकार ने हथियारों को किया तैनात, भारत और पाक में एक बार फिर से बढ़ गया है तनाव। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में योगी को चुनाव हराने के लिए सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे किसान, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुंबई हाईकोर्ट ने मोदी अमित शाह को लगाई फटकार, कहा महामारी में सियासी रैली रोके भाजपा वरना हम करेंगे कार्रवाई। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने दुनिया को दी धमकी, कहा आंख दिखाने वाले देशों को देंगे करारा जवाब, नहीं हटेंगे पीछे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने किया ऐलान, कृषि कानून नहीं होंगे निरस्त, कृषि कानून को रद्द करने की जिससे हटे किसान। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में AI मेमने की मांग, अखिलेश यादव लिख कर दें, अगर सपा की बनी सरकार तो मुस्लिम होगा यूपी का डिप्टी सीएम। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने ताल ठोक दिया है और ओवैसी ने 100 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस बीच आपको बता दें कि आज असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM ने अखिलेश यादव से बड़ी मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में AIMM ने मांग की है कि अखिलेश यादव लिख कर दें कि अगर उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा की सरकार बनी तो अखिलेश यादव मुसलमान को डिप्टी सीएम यूपी का बनाएंगे। AIMM ने कहा है कि अगर ऐसी शर्त अखिलेश यादव मानते हैं तो हम उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने पिछली बार भी दावा किया था कि अगर उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनी तो मुसलमानों को 12% आरक्षण दिया जाएगा और यूपी में मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। AIMM ने कहा है कि अखिलेश यादव ने अपने दोनों ही वादों को नहीं निभाया है, इसलिए हमें उत्तर प्रदेश में मजबूरन चुनाव लड़ना पड़ा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है भाई। AIMM ने कह दिया कि अगर अखिलेश यादव हमें लिख कर दे दें कि सपा की सरकार बनी तो मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाएंगे तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपकी क्या राय है इस वीडियो पर हमें कॉमेंट में बताएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान के ड्रोन अटैक से निपटने के लिए जम्मू एयरबेस पर मोदी सरकार ने हथियारों को किया तैनात, भारत पाक में बड़ा तनाव। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर पाकिस्तान की तरफ से हुए ड्रोन अटैक को लेकर मोदी सरकार अलर्ट पर आ गई है और मोदी सरकार ने ड्रोन हमले से निपटने के लिए आज जम्मू एयरबेस पर हथियारों की तैनात कर दी है। वहीं मोदी सरकार ने पूरे क्षेत्र में जैमर भी लगाए हैं जिससे कि जम्मू कश्मीर में अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ड्रोन आए तो उसका कनेक्शन तोड़ा जा सके। भाई आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के एयरबेस पर दो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले हुए हैं जिनमें कई लोग घायल भी हुए थे और मोदी सरकार की फिर मुश्किलें बढ़ गई थी, जिसके बाद मोदी सरकार ने आज जम्मू एयरबेस पर हथियारों की तैनाती कर दी है और सेना को भी लगा दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में योगी को हराने के लिए किसान सभी विधानसभा सीटों पर यूपी में लड़ेंगे चुनाव, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को हराने के लिए किसानों ने एक नया प्लान बना लिया है जिससे मोदी अमित शाह सहित योगी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन और राष्ट्रीय किसान मंच ने उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय किसान मंच द्वारा जारी बयान के अनुसार कहा गया है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में किसान पिछले एक साल से आंदोलन कर रहे हैं लेकिन योगी सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने के लिए किसान सभी 403 उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जो है अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में अब किसान भी भाजपा के खिलाफ एकदम हो गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असम और मिजोरम में बड़ा सीमा विवाद, एक दूसरे पर लगाए जमीन कब्जाने के आरोप। जी दोस्तों आपको बता दें कि असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद के चलते तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। दोनों राज्यों के अधिकारियों ने एक दूसरे की जमीन पर कब्जा करने के आरोप लगाए हैं। समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार
मुताबिक मिजोरम ने बुधवार को असम पर कोलासिब जिले में उसकी जमीन का अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है, जिसके साथ दोनों पूर्व उत्तर राज्यों के बीच सीमा विवाद और बढ़ गया है। वहीं असम के अधिकारी और विधायकों ने मिजोरम पर राज्य में हेला कांडी में 10 किलोमीटर भीतर संरचनाओं के निर्माण और सुपारी व केले के पौधे लगाने का आरोप लगाया है। ये विवाद ऐसे वक्त में सामने आया है जब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का कहना है कि वह सभी सीमावर्ती राज्यों के साथ सीमा विवाद को खत्म करने के लिए समझौता करने का काम कर रहे हैं, तो भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई क्योंकि असम में भाजपा की सरकार है और भाजपा के मुख्यमंत्री लगातार घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने दुनिया को दी धमकी, कहां आंख दिखाने वालों को देंगे करारा जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने पर राजधानी पेचिंग में आयोजित शानदार जश्न में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान पर दुनिया को आज खुली चेतावनी दे दी है। उन्होंने अमरीका और ताइवान का नाम लिए बिना ही ये दावा कर दिया है कि अगर चीन पर कोई भी आग दिखाएगा तो उसे हम करारा जवाब देंगे, चाहे वो दुनिया का कितना भी ताकतवर देश हो। दरअसल आपको बता दें कि चीन के राष्ट्रपति लगातार LOC पर भारत को भी धमका रहे हैं और भारत के खिलाफ भी लगातार युद्ध अभ्यास करके चोरी छुपे अपनी सेना को तैनात कर रहे हैं, जिससे भारत सहित अमरीका पर हमला किया जा सके। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चीन अब किसी की भी मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यौन शोषण का आरोपी बाबा सच्चिदानंद मुरादाबाद से गिरफ्तार, 50,000 रुपए का था इनाम। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के कोतवाली क्षेत्र में स्थित संत कुटीर आश्रम डमरुआ के महंत व 50,000 रुपए के इनामी बाबा सच्चिदानंद उर्फ दयानंद को मुरादाबाद से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि इन बाबा पर 2018 में छत्तीसगढ़ से लाई गई दो साधुओं ने रेप का आरोप लगाया था। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि आश्रम के बाबा सच्चिदानंद उर्फ दयानंद ने अपने सहयोगियों के साथ हमारे साथ बलात्कार किया था और हमारा यौन शोषण किया था, जिसके बाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश की इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन 2018 से ही बाबा फरार चल रहा था, लेकिन 2021 में आज बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाबा पर 50,000 रुपये का इनाम भी था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से बच्चियों का रेप करके बाबा आश्रम छोड़कर भाग रहे हैं। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कुंभ से कोरोना फैलाने वाली भाजपा सरकार ने चार धाम यात्रा पर नहीं लगाई रोक, सुप्रीम कोर्ट पहुंची। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कुंभ मेले द्वारा कोरोना वायरस देश में फैलाने की आरोपी उत्तराखंड की भाजपा सरकार अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने चार धाम यात्रा पर रोक लगा दी थी और आदेश दिया था कि अगर चार धाम यात्रा की गई तो कोरोना वायरस एक बार फिर से देश में फैलेगा, जिसके गंभीर परिणाम हो सकेंगे। लेकिन अब हाई कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड की भाजपा सरकार पहुंच गई है और सुप्रीम कोर्ट से चार धाम यात्रा पर लगाई रोक को हटाने की उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि ऐसे ही कुंभ मेले में इन्होंने फर्जी कोरोना का सर्टिफिकेट बनवाकर, फर्जी कोरोना की जांच बनवाकर लोगों को इजाजत दी, जिससे कोरोना वायरस पूरे देश में तेजी से फैला। तो किस तरह से अब भी ये भाजपा सरकार उत्तराखंड की नहीं मान रही है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुंबई हाई कोर्ट ने कोरोना को लेकर मोदी सरकार को लगाई फटकार, कहा कोरोना महामारी में सियासी रैलियां रोके वरना हम करेंगे कार्रवाई। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को कहा है कि महामारी के बीच में राजनीतिक रैलियों पर तत्काल रोक लगाई जाए, अगर सरकार इन्हें रोक नहीं पा रही है तो हमें बताएं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि फिर हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश में महामारी नियंत्रण के लिए बने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए कई रैलियों की इजाजत महाराष्ट्र में दी गई है। इसी को लेकर अब कोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट ने कहा है कि कोरोना महामारी जिस तरह से देश में बढ़ रही है और कोरोना महामारी के बीच अगर कोई राजनीतिक पार्टियां रैलियां करेगी तो अगर सरकार से वो रैलियां रोक नहीं जाती हैं तो हम उन्हें रोकेंगे, हम उन पर कोरोना महामारी का उल्लंघन करने के आरोप में जेल में डालेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने किया ऐलान कृषि कानून को निरस्त करने की, जिससे हटे किसान नहीं होंगे, कृषि कानून रद्द। जो दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि आंदोलनकारी किसान संघों को नए कृषि कानून निरस्त कराने की जिद पर नहीं अड़े रहना चाहिए और सरकार से बातचीत से पहले इसे शर्त बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने दावा किया है कि केवल चुनिंदा लोग ही कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं और आम किसान खुश हैं,
खट्टर ने कहा कि आंदोलन कर रहे लोग वास्तव में किसान नहीं हैं, असली किसान को कृषि कानून से कोई आपत्ति नहीं है और वे खुश हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे लोग राजनीतिक कारणों से ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी पंजाब टीम ऐसा कर रही है क्योंकि वहां चुनाव आ रहे हैं, लेकिन हमारे राज्य में कोई भी चुनाव बाकी नहीं है। यहां राजनीतिक हथकंडे अपनाकर सरकार को बदनाम करने का एजेंडा नहीं चलेगा, कांग्रेस इसे भी अपना साथ दे रही है। तो उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर कृषि कानून रद्द नहीं होंगे।